कश्मीर में आतंकियों की छाती फाड़कर दौड़ी कारें, पाकिस्तान से लेकर लंदन तक भारत विरोधियों के निकले खून के आंसू। कश्मीर में ना चल रही गोली, ना चल रहे पत्थर, दौड़ रही फॉर्मूला वन की गाड़ियां, वो भी भयंकर। ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें बता रही कि कश्मीर बदल चुका है। कश्मीर में विकास की बयार बह रही चारों तरफ। कश्मीर में दौड़ती फॉर्मूला वन की कारें ये बता रही कि कश्मीर अकेला पाकिस्तान पर भारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीनगर में डल झील के किनारे आयोजित पहली फॉर्मूला 4 कार शो को देखकर खुशी हुई और इससे जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही। यूजर ने अपने एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट में लिखा कि मेरा कश्मीर बदल रहा, पीएम मोदी ने कश्मीर बदल दिया है। पहला फॉर्मूला 4 कार शो आज श्रीनगर की डल झील के किनारे पर आयोजित किया गया है। इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि ये देखना बेहद सुखद है, ये जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। भारत मोटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष स्थान पर है जहां ऐसा आयोजन हो सकता है। पीएम मोदी ने इस शो की तस्वीरें भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए मल्टी करियर विकल्पों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डल झील के किनारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग ने मिलकर फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट का आयोजन किया था। 1.7 किलोमीटर लंबी फॉर्मूला 4 कार श्रीनगर में डल झील के किनारे रेस लतिल घाट से नेहरू पार्क तक आयोजित हुई। अधिकारियों ने इस आयोजन के लिए विस्तृत व्यवस्था की थी। रेसिंग के इस्तेमाल में हुई सड़क को समतल किया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए थे। मौके पर एम्बुलेंस, अग्निशामक यंत्र और पर्याप्त सुरक्षा के साथ मेडिकल टीमें तैनात की गई थी। आयोजकों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कश्मीर ने मोटर स्पोर्ट्स आयोजनों के क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल की है। प्रोफेशनल ड्राइवर्स ने फॉर्मूला 4 रेसिंग में अपना करियर बनाने के लिए कश्मीरी युवाओं का मनोबल बढ़ाया है। बता दें कि कार रेसिंग में प्रोफेशनल फॉर्मूला 4 ड्राइवरों द्वारा कर्तव्य दिखाया जाता है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था और 2 बजे समाप्त हुआ था। इस कार रेस को देखने के लिए बड़ी संख्या में युवा आयोजन स्थल पर पहुंचे थे। रेस समाप्त होने के बाद उन्होंने ड्राइवर के साथ बातचीत की। प्रोफेशनल ड्राइवर्स ने उन युवाओं के साथ कार स्पोर्ट का डिटेल भी शेयर किया जिन्होंने फॉर्मूला 4 रेसिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में करियर बनाने की रुचि दिखाई। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब कश्मीर जिस तरह से तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा, वो ये बता रहा कि जो कश्मीर पहले पाकिस्तान का दंश झेल रहा, वो कश्मीर आज पंख लगाए पाकिस्तान जैसे न जाने कितने देशों को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा। आपका क्या कुछ कहना है बदलते कश्मीर को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।